तो हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुतुब मीनार के ऊपर। कुतुब मीनार को किसने बनवाया, कब बनवाया और किस सन में बनवाया और किस लिए बनवाया। खुद कहा जाता है कुतुब मीनार को एक नहीं कई साल में बनवाया गया, क्योंकि इसे बनाने में कई लोग हाथ लगाए थे। बना बोले बोला जाता है कि पहला महला कोई और था, पाँचवा कोई और बनाया था, तो इसका जो लाई दरवाजा कोई और बनवाया। इसी को पर्दे को पास करने के लिए आज हम लोग आते हैं कुतुब मीनार के पास, चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग क्या माहौल है उसका। तो चलिए चलते हैं कुतुब मीनार के पास। हम लोग कुतुब मीनार के पास तो गए तो नहीं थे, लेकिन आपको जानकारी इसका पूरा जरूर देंगे कि कुतुब मीनार को कौन कैसे और कहाँ से बनवाया गया है। तो गाइस, कुतुब मीनार को दिल्ली में बनवाया गया है और इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। इसे बनवाने के लिए इसे लगभग 1193 ईस्वी में से शुरू कर दिया गया था और 1230 से 31 में इसे पूरा कर दिया गया, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं था। इसकी 5वीं मंजिला जो थी वो 1368 ईस्वी में बना था। और गाइस, इसमें एक अलाई दरवाज़ा भी है जिसे इल्तुतमिस ने बनवाया था, और इसको पूरा भी इल्तुतमिस ने ही करवाया था, लेकिन इसको जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था अपने कार्यक्रम को दिखाने के लिए कितना महान राजा है। और गाइस, कहा जाता है कि इसकी ठेकेदारी कुतुब मीनार की ठेकेदारी संत सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन स्वस्त काकी को दिया गया। यही सभी लोग बताते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हों को दिया गया बनाने के लिए, कि ऐसे बनाएं और एक काफ़ी खूबसूरत बनाएं। और इल्तुतमिश तो इसका आखिरी स्थान है जो इसे बनाया था। कुतुब मीनार को बनाने में लाल और बफ बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी जिसके लिए वो काफ़ी मजबूत बना है, इसीलिए उसमें लाल और बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। और कुतुब मीनार एक ऐसी इमारत है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में सम्मानित किया गया है, क्योंकि विश्व में सबसे लंबी इमारत तो नहीं है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी इमारत है। इसमें कुल 5-6 दरवाजे थे और इसे और इसके मुख्य दरवाजे पे अलाई दरवाजा है जिसे इल्तुतमिश ने बोला था, जो काफ़ी बड़ा है। कुतुब मीनार की 5वीं अलग अलग कहानियाँ, कुतुब मीनार लगभग 5 अलग अलग कहानियाँ, जिसमें बहुत सी भिन्न भिन्न बातें की गई हैं कि कुतुब मीनार कौन बनवाया था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, क्या कारण था ये सब। लेकिन इसके लिए हमारे पास थोड़ा समय कम है, कोई अगले वीडियो में जरूर आपको बताएंगे कुतुब मीनार को कौन किस बनवाया था, उसकी 5 कहानियाँ बताएंगे हम काफ़ी विस्तार से। कुतुब मीनार के आधार की ऊँचाई लगभग 17 फीट और शीर्ष की ऊँचाई लगभग 9 फीट। इसे शिलालेख के सहज में लिया गया था, क्योंकि काफ़ी ऊँची इमारत थी, इसलिए उसका नींव काफ़ी मजबूत रखा जाएगा, नहीं तो गिर नहीं जाएगा। इसमें लगभग कुल 4 बालकनी। इसके पास एक कुतुबाए इस्लाम मस्जिद भी बना हुआ है जो इसे और मशहूर बना देता है। और कहा जाता है कि कुतुब मीनार को बनवाने में कुल लगभग 16 लाख का खर्चा आया था। उस टाइम में 16 लाख बहुत ज़्यादा होता है। और लोग ये भी कहते हैं कि कुतुब मीनार को हिंदू मंदिरों को तोड़ कर उसके ऊपर इसे बनवाया गया था। ये भी कहा जाता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 250 फीट है और ये 5 मंजिला बना हुआ है, और हर मंजिले में एक बालकनी इसीलिए इसमें कहा जाता है इसमें 5 बालकनी। पर अलाई दरवाजों को तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मशहूर होने के लिए। एक बार इसमें कम से कम 40 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई सीढ़ी से गिरने वाली, इसीलिए इसका दरवाजा बंद कर दिया गया। गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। बाय बाय एंड गुड बाय।